दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जब भारतीय टीम में जयदेव उनादकट का चयन हुआ तो सभी हैरान रह गए। उनादकट को मोहम्मद शमी की चोटिल होने के बाद टीम में शामिल किया गया। उनके चुने जाने पर कई खिलाड़ियों को वापसी के लिए प्रेरणा मिल गई है। भारत के लिए 3 शतक लगाने वाले करुण नायर उन्हीं में से एक है। टेस्ट क्रिकेट में 3 शतक लगाने वाली इस बल्लेबाज को अब कर्नाटक टीम रणजी टीम से भी निकाल दिया गया है। इसके बाद उन्होंने एक भावुक ट्वीट किया है। नायर ने लिखा, डियर क्रिकेट प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। उनके इस ट्वीट ने कई फैंस को भावुक कर दिया। सोशल मीडिया पर नायर के बारे में बात हो रही है। 85 प्रथम श्रेणी मैचों में 48 के औसत से 5,922 रन बना चुके हैं। इस दौरान नायर ने 15 शतक और 27 अर्धशतक लगा है। नायर का नाम घरेलू क्रिकेट में काफी चमका, इस कारण उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया था। नायर ने चयनकर्ताओं को निराश नहीं किया था। उन्होंने दिसंबर 2016 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 303 रन की पारी खेली थी। वह वीरेंद्र सहवाग के बाद टेस्ट में 3 शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने थे। नायर अचानक से स्टार बन गए थे, लेकिन भाग्य ने उनका साथ ज्यादा दिनों तक नहीं दिया। मार्च 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद नायर को टीम से बाहर कर दिया गया। उसके बाद से उन्हें टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया गया। नायर को कभी यह नहीं बताया गया कि उन्हें टीम से अचानक ही क्यों निकाल दिया गया। कुछ पारियों में फेल होने के बाद भी कई खिलाड़ियों को लगातार मौका मिले, लेकिन नायर के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, करुण नायर को टीम इंडिया में एक और मौका मिलना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी स्पोर्ट्स से जुड़े वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।